안녕하세요. 저는 그레이스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 제목은 다운로드를 받아야 돼요. 다음. 와, 너무 안 돼요. 오늘은 인도에서 는 오늘 아침에 되게 뿌였어요. 하나도 앞이 안 보였어요. 가까이 가야지만 아예 보이지. 멀리서 보면 하나도 아무것도 안 보였어요. 오늘은 막 건물도 안 보였어요. 오늘 너무 안개가 뿌였어요. 안개가 정말 परमेश्वर का अद्भुत वादा। अब्राहम हारान में रहता था। अब्राहम, समझ परमेश्वर ने कहा, नहीं आ मैं रहा है। चाहता हूं कि तू हारान को छोड़े और किसी और देश में।제목이 여기서 안 들어가겠어요. 제목은 아브라함과의 하나님의 약속이라. परमेश्वर का अद्भुत वादा। 하나님의 약속. 아브라함과의 하나님의 약속이에요. अब्राहम हारान में रहता था। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू हारान को छोड़े और किसी और देश में जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि हारान कहां पर था। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा।하나님이 아브라함에게 약속을 하셨어요. 뭐지? 아이를 낳을 거라고 약속을 했어요. 하지만 परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान एक बड़ी जाति बन जाएगी। कैसे? अब्राहम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा।세라는 99살이고 아브라함은 100살이었어요. 근데 믿을 수가 없었죠. 그날 99살에 아이를 낳기엔 너무 그렇죠. 하지만 아브라함은 하나님의 약속을 그래도 믿었어요. 아이가 봐봐요.
걸레가 앉았는데. 벅. 아. क्या परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि उसे कहाँ जाना था, हाँ या नहीं?뭘로 찍지? 옷으로 찍어보겠습니다. 에이. जहां मैं कहता हूं वहां जा, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान जितने आकाश में तारे हैं उससे ज्यादा होगी। वो पूरे संसार के लिए आशीष होंगे। मुझ पर भरोसा कर।하나님이 약속하셨대요. 와하. अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, उसके भतीजे लूत और सब कुछ जो उसका था उसे लिया। वो वहां गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। वो कनान के देश में गया।아브라함한테 새 민족과 새 땅을 주시겠다고 하셨어요, 하나님. 그래서 아브라함은 하나님의 말씀을 들으면서 여행을 떠나고 있었어요. 모든 사람들이, 모든 가족이 같이 갔어요. शकेम में डेरा लगाया। परमेश्वर उसको प्रकट हुआ, मैं ये भूमि तुझे और तेरी संतान को दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाई। हनन निमी 그 땅에 도착하자 아브라함은 하나님께 감사하다며 제사를 드렸어요. अब्राहम ने परमेश्वर की वादा की हुई भूमि पर यात्रा की। वो खुश था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो उससे वादा किया गया था। ई 감사하는 마음으로 제사를 드렸어요.
अब्राहम ने सभी वादों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए एक वेदी बनाई, सही या गलत? ओके रखा बेटा, बताते आप।이어 3번 해볼까요? 산이 어떻게 피가 돼버렸지? 산에 고쳐주겠습니다. 아... 그러면 소를 그릴까요? 반대인가?
का तो बढ़ लियो।좀 똑같은 걸 하겠습니다. 안돼. 여기까지만 하겠습니다. परमेश्वर का अद्भुत वादा।네, 오늘은 제가 하나님의 약속하신 땅이라는 이야기를 읽어드렸는데요. 재밌었나요? 그럼 또 다음번에 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그러면 안녕.